Welcome to Let's Talk Comfort Session. Umeed hai everyone is doing okay and they are following the quarantine rules even though our Supreme Court has decided to quash them. Lekin hopefully we all are sensible enough to understand that it's not too important to go outside for Eid shopping and it's more important to stay inside and be safe. Aaj ka hamara session is about journalism and journalists, and we have a very special guest with us today. Bahut kam journalists hote hain Pakistan mein who say it as it is and who don't mince their words and who do some award-winning journalism which is based on principles and which is based on some facts and figures rather than just, you know, being someone's mouthpiece. Hamari jo aaj ki guest hain, she has been doing some amazing award-winning journalism and she has done an amazing campaign on polio campaigns of Pakistan. जिसे उनको अवार्ड भी मिला यूएन की तरफ से. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन बेनज़ीर शाह हु इज वेरी काइंडली अग्रीड टू बी ऑन आवर शो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू इनवाइट हर इन एंड शी विल बी विद अस शॉर्टली. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? दैट वाज क्वाइट अ स्केच that you painted of me, a very, very, very larger than life sketch. No, no, you deserve it. It was, I think, less than what I should have said, but it was a good start. Thank you so much. Sure, sure. So how are you? I'm well. Bas, aisi chal raha hai, aajkal do mahine se to ghar pe hi hu. और बस रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए जब जाना पड़ता है कभी काम के लिए, वरना यही होता है बच्चों के साथ और घर में. जैसे अभी मैं पढ़ रही थी, इसका हैशटैग था क्वारंटीन लाइफ. तो मैंने कहा मैं जरा पूछूं सलमान से कि ये कौन सी क्वारंटीन लाइफ है जिसमें हम आजकल रह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म हो गया. तो ये कौन सा क्वारंटीन है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज से तो लॉकडाउन खत्म हो गया. ये हमने अपनी बनाई हुई है. हाँ, ये हमने अपनी क्वारंटीन लाइफ बनाई हुई है, द रिमेन्स ऑफ द क्वारंटीन लाइफ. क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने तो धज्जियां उड़ा दी. हम प्रिटेंड करा करेंगे कि हम क्वारंटीन हैं और लॉकडाउन है. एग्जैक्ट, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. Chale, how was your quarantine happening? Aap do mahine se you were reporting and doing everything from home. Yes, I was reporting ke liye mujhe jana padta tha bahar, wo bhi main bada dar dar ke jati thi. I'm a coward, I'll be very honest with you. I'm very scared. Aur ye virus, ye jo corona virus hai, iske bare mein main jitna roz padhti hu, main to roz padhti rehti hu, kyunki roz khair hamari to job hi yahi hai, TV ke upar dekho fir uske articles padho. तो मैं जब भी जाती थी रिपोर्टिंग के लिए, तो मुझे उसके बाद वापस आके आई यूज्ड टू बी सो स्केयर्ड कि अब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा. थैंकफुली एक्चुअली आई गॉट टेस्टेड, आई टोल्ड यू अबाउट इट लास्ट वीक, एंड थैंकफुली इट वाज नेगेटिव. लेकिन वो जो दो तीन दिन थे वेटिंग फॉर द टेस्ट रिजल्ट्स, दैट वाज वेरी टच एंड गो. आई हैव टू एडमिट, बल्कि मैंने एक जगह मैं गई थी, एक आइसोलेशन वार्ड है पंजाब में, बड़ा अच्छा आइसोलेशन वार्ड है पीकेएलआई का. वहां पे भी जब मैं गई थी तो मैं इतनी पैरानोइड थी कि मैं अपने फोन को भी डिसइंफेक्ट कर रही थी और अपने बार बार, मतलब मेरे हाथ सारा दिन मेरा हाथ धोने में और सैनिटाइजर लगाने में गुजर गया. सो आई वाज राइटली सो वेरी पैरानोइड. यस, राइटली सो. लॉकडाउन भी खुल गया है तो अब तो पता भी नहीं होता आपको कि यू नो हाउ एंड व्हेन यू माइट कैच इट, एंड दिस इज अ वेरी 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 सीरियसली डेडली डिजीज. आपने मुझे कवरेज की थी उसकी लेबोरेटरी की, वेयर द टेस्ट्स आर बीइंग डन एंड ऑल दैट, एंड सो जब आप गई तो यू वर ऑल सूटेड अप, और लाइक हाउ डिड दैट हैपन? You know, Salman, it's a really nice. मैं पहले disclaimer देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा lab था, बहुत it was nicely done, very professionally, very hardworking people. जब मैं जा रही थी ना, उससे पहले प्रिपेयरिंग कर रही, यूजुअली प्रिपेयर फॉर अ रिपोर्ट, तो मैं देख रही थी कि और जो रिपोर्ट्स की नहीं है टेस्टिंग लैब में उसमें क्या हो रहा है. तो वो मैं जब देखती थी तो वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे जो ये रिपोर्ट्स कर रहे थे वो पूरे पीपीईज में होते थे. तो आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम कि मैं जाऊंगी तो मुझे पीपीईज. अच्छा, जो खैर आई वाज इंटरव्यूइंग द माइक्रोबायोलॉजिस्ट ओवर देयर, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि चले आ जाए आपको लैब दिखाते हैं. तो मैंने कहा ऐसी ऐसी उन्होंने कहा हाँ आप आ जाए, बस मास्क पहने और ग्लव्स पहने और वो पाँव पे वो बांधे, आपने कौन से किसी चीज को हाथ लगाना है, आपने सिर्फ दूर से देखना है.
तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो कह रही है तो फिर चलते हैं अंदर. तो फिर खैर मैं चली तो गई, लेकिन मैं इतने वो डर में थी कि मैं वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू कि मैं थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी, चले फिर बाहर चलते हैं वहां पे बात करते हैं. क्योंकि ऑनेस्टली यू नेवर नो, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी हाई रिस्क एरिया. इवन दो दे उन्होंने सारी प्रिकॉशंस ली हुई थी, वो दूर से मुझे खड़े होके आई वॉज अलाउड टू टेक पिक्चर्स. एंड बड़ा बड़ा मुश्किल है. मैंने वो पीपीईज देखी नहीं है. एक दो दफा मैं गई हूँ आइसोलेशन वार्ड्स में, उसको पहनना ही बड़ा मुश्किल है. वो एक तो इट्स अ वेरी बल्की आउटफिट, और उसमें सांस लेना, उसमें आप ना पानी पी सकते हो 6 से 8 घंटे, ना आप खाना खा सकते हो, आप मतलब बाथरूम तक नहीं जा सकते 6 से 8 घंटे. इट्स अ वेरी वेरी आई मीन देयर रियली आर हीरोज, दे आर डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, आपके सैनिटरी स्टाफ जो पूरे के डिस्पोज करता है वेस्ट, मतलब ऑल ऑफ देम दे रियली रियली आर हीरोज. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और they are the frontline workers. और अगर इनकी इनका ये ना हो इस वक्त प्रेजेंट, तो इस वक्त आई मीन लाइक पूरी दुनिया में like I think we'll be in a much 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 worse state than we are in right now. हम इनकी कदर नहीं करते इनका. if you just I mean I just got a sense of their frame of mind. अभी एक बड़े सीनियर डॉक्टर हैं लाहौर में, मैं उनसे बात कर रही थी. तो मैंने उनसे पूछा, मैं यूजली डॉक्टर से ये पूछती हूँ, आपको डर नहीं लगता, आप जाते हैं काम करते हैं फिर आपने घर जाना होता है. वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि हाँ हमें डर भी लगता है, रिस्क तो है. एक जो बड़े सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने मुझे जब कहा, मुझे बड़ी I was quite shocked, and he said कि देखिए आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मुझे ये वायरस लगेगा ही लगेगा, मुझे ये इन्फेक्शन होगी. आई एम रिजाइन टू द फैक्ट, which I thought was very, very disturbing. मेडिकल वर्कर के मोरल के लिए कि आप जा रहे हैं एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड एंड गॉड फॉरबिड इट वुड गेट कॉम्प्लिकेटेड. It's like a soldier, you're going and you never know you're going to come back. You never know. And that frame of mind, okay, you know, you might lose, you might not win. I was very surprised when I spoke to them. But yehi hai unka hai. Yeah, absolutely. It's a very a fluid situation. Abhi, we don't know, especially jis tarah hamari, unfortunately, jis tarah ek very confused handling hui hai. Toh pehli dafa andaaza hua hai ki America aur Pakistan ki leadership ek hi tarah ki hai. मैं तो रोज ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखती हूँ रात को. आई स्लीप रियली लेट, मैं बच्चों को सुला के देन आई टेक अ फ्यू आवर्स टू माय सेल्फ. सो फिर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखती हूँ एंड देयर सो मेनी सिमिलैरिटीज. या देयर आर तो कहीं चले, कहीं तो हम अमेरिका जैसे हो गए ना. हाँ, बहुत बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज है. खैर वहां पे तो बहुत ही बुरे हालात है. सिर्फ अमेरिका के साथ हमारी नहीं है, हमारी कुछ बोरिस जॉनसन के साथ भी हमारी कुछ जलती हरकत. बिल्कुल सही बात है. What that says about populist leaders in the world, but मैंने तो कल मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कल परसों, तो मैंने आई एंडेड अप ट्वीटिंग के भाई यार जिस तरह SATs हम देते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, एक SAT होना चाहिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी, कि यार कॉमन सेंस चेक तो कर लो भाई. सलमान मेरे ख्याल से आप चाहते हैं आपका ये लाइफ सेशन जो है ना बंद भी हो जाए. इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया जो आपको पड़ेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मुझे यूजली अक्यूज किया जाता है, मुझ पर इल्जाम अक्सर वैसे ये लगता है सोशल मीडिया में कि मैं पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन की तरह बात करती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ माय नेम, बट आई एम गोना आस्क यू व्हाई दैट नेम. ओह व्हाई माय नेम. अच्छा अब ये Your parents were a fan? तो मेरे पीछे जो सोशल मीडिया है वो कल शुरू हो गया. But I'll be honest. This is too high. My father was a very big fan of Zulfikar Ali Bhutto, and he was also very in awe of Benazir Bhutto as well. So he had already decided. I'm the only child. So he had already decided कि जब भी मेरी बेटी होगी मैं उसका नाम बेनजीर रखूँगा. So, then he became disillusioned with the party. He was not very satisfied. Jab Benazir wapas aayi thi Pakistan, to wo bhi wapas aaye the ke pehli elected government hai Pakistan mein inqilab aayega. He had a lot of hopes. He was a little disappointed.
a lot of people were. A lot of people. Politics में नहीं आए ना उनको कोई सियासत का इतना कोई शौक था, but वो वैसे generally he's a very well-read person as well. So he named me. I have to also tell you कि मेरी जब जब मैं स्कूल में होती थी and during my childhood I had a very tough time with this. Yeah, I'm sure. Very very tough. I am sure. yes, because people don't realize how difficult it has been. no, I can understand. वो तो मैं जब आपको मैसेज भी कई दफा करता हूँ ना, सो आई राइट सलाम बेनज़ीर, तो वो एक स्लोगन लगता है सलाम बेनज़ीर. हाँ, सलाम बेनज़ीर. मेरी भी डेडलाइन थी उस वक्त फैज़ी भुट्टो की शहीदी, शी वाज़ आल्सो हर गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो कुछ नारे भी ऐसे बने हुए थे जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल did you run for any position in your school, like a prefect or? It was suicide. If I was with him, I started running for a position in school. I was very lonely. But yeah, so that made it very difficult. But later on in life, I'll be very honest. I began to actually appreciate this name. It's it's a beautiful name. It has a beautiful meaning to it. And unique. And it's unique. And I think that is something that I appreciated much later on in life. Shuru mein to I was all about ke ye matlab kyun mere baat mein aisa karte aapke dost Mubeen sahab ne join kiya, he's saying hello to you. Hello Mubeen sahab. Acha ji, so tell us, take us towards your journey. How did the journalism thing happen? Like, you always wanted to do it, or did it accidentally come your way? I think with most reporters and journalists in Pakistan, it's been an accidental journey. I was studying arts in school. उसके बाद आई वेंट टू एनसीए फॉर अ ईयर, फिर मैं भाग गई एनसीए से क्योंकि बहुत काम होता था फिर एंड देन आई एक्सीडेंटली एंडेड अप बिकॉज़ आई वाज इन कॉलेज एंड आई वाज लुकिंग फॉर वर्क. ऑब्वियसली पैसे भी नहीं होते थे और माँ बाप भी इतने पैसे नहीं देते थे, सो आई वाज लुकिंग फॉर पार्ट टाइम वर्क एंड आई एंडेड अप वर्किंग फॉर दिस न्यूज मैगजीन. आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ इट नाउ, बट आई वाज वर्किंग फॉर दिस न्यूज मैगजीन. और उसी से फिर आहिस्ता 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 माई इंटरेस्ट ग्रू. आई वॉज ऑलरेडी एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एट होम बिकॉज माई फादर वॉज वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट. सारा दिन वो खबरें देखते रहते थे तो सारा दिन वो बुरा भला कहते रहते थे, कुड़ते रहते थे. हाँ, तो वो अभी भी वो, अब तो वो देखते नहीं है, अब तो उनके अगर मेरे घर आए और पीछे न्यूज चैनल लगा हो तो वो मुझसे कहते हैं कि ये क्या तुम देख रही हो, रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देखते. रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देखते. नहीं नहीं, वो तो कभी उनको कभी कोई किसी ने उनको कह दिया कि आपकी बेटी को मैंने टीवी पे देखा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, घर की मुर्गी दाल बराबर. एक दफा उन्होंने शायद मेरा देखा था, एक दफा ही हर्ड मी ऑन समथिंग, आई फॉरगॉटन व्हाट, बट उसके बाद जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई सिट डाउन, आई टू टॉक टू यू, इट्स वेरी रॉन्ग ओपिनियंस यू हैव. सो आफ्टर दैट इट्स बेस्ट नॉट टू एवर लेट हिम वॉच. एग्जैक्टली. हां, सो आफ्टर दैट, सो आई उसके बाद आई जस्ट गॉट इनटू इट, आई गॉट रियली इंटरेस्टेड. It took a while because reporting is something that is not very encouraged. At least, abhi tak I don't see that women are encouraged to join reporting. Or, abhi bhi mujhse jab bhi main reporting karne jaati hu, so there are times when people say, "Are you okay? Is it safe? Should you be doing it? Maybe your male colleague should be doing it." Abhi bhi thodi si, I wouldn't call it sexism, but I would say there is some. A level of that in media organizations across Pakistan. Abhi bhi they would prefer to give a hardcore news assignment to male reporters than to female reporters. I am actually quite grateful to Jio for the fact that I'm not very good on TV, by the way, in the sense that I'm not very comfortable with TV. For them to push us to actually come on TV and to talk about other things rather than ke acha aaj social issues se baat kar le. Aksar waise mujhe bulaya jata tha, wo ye kehte the aaj hum aaj women empowerment pe baat kar rahe hain, aap aa jaye, aaj hum koi social issues pe baat kar rahe hain to aa jaye. Kabhi political to matlab wo dekhte bhi nahi the aapki taraf. Reporter I actually think has to quite an extent changed that. They really and the wonderful thing about this show is, main badi unki advertising kar rahi hu abhi,
लेकिन वो वन वंडरफुल थिंग इज दैट इट्स अ कंप्लीटली वुमेन कास्ट जो उनका के प्रोड्यूसर्स से लेके उनके हां मरियम इज देयर यस दे ऑल लवली एंड दे रियली मेहमल यू for women to be right in the forefront. In fact, मैंने कभी complain नहीं किया कि मुझे आप आखिर में क्यों लेते हैं, बाकी सब panelists आप पहले पूछ लेते हैं मुझसे आखिर. लेकिन वो अक्सर मुझे आके खुद कहते थे कि आपको हम पहले लेंगे या बीच में लेंगे, ये क्या बात हुई कि सारे मेल पैनलिस्ट से राय ले ली और आपको बिल्कुल ब्रेक से पहले हम. तो वो दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू इट. सो आई एंड देन आई गॉट इनटू इट एंड नाउ टू बी ऑनेस्ट आई एम सो एडिक्टेड टू दिस दैट देयर आर टाइम्स दैट आई थिंक कि आई नीड टू स्विच ऑफ. आई नीड टू यू नो जस्ट मे बी स्टॉप रीडिंग द न्यूज और वॉचिंग टीवी एंड टेक couple of days off. And वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे इतनी तेजी से हालात बदल रहे होते हैं और फिर आप थोड़ी बात WhatsApp खोलते हैं और कोई पूछता है आपने ये खबर नहीं देखी. so frequently. So I have become so addicted to it that sometimes it's very difficult. Especially क्योंकि आजकल हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं and this you know I don't think people realize कि इस पे reporting करना भी कितना मुश्किल है इस वायरस पे और इस आउटब्रेक पे क्योंकि इस पे रोज खबरें बदल जाती हैं रोज कोई नई एवरी सेकंड इज अ न्यू बिकॉज़ इट्स अ इवॉल्विंग थिंग सो वी डोंट नो व्हाट इज व्हाट लाइक इसको तो साल लग जाएंगे टू पिन पॉइंट ऑन एग्जैक्टली तो इसको सिर्फ समझने में रोज आई मीन आई यू हैव टू रीड सो मेनी आर्टिकल्स कि वहां पे कुछ और कहा जा रहे हैं वहां पे कुछ रोज सक्सेस मॉडल्स भी चेंज हो रहे हैं कभी साउथ कोरिया था तो कभी सिंगापुर था तो अब कोई और वियतनाम हो गया सो यू नो यू दिस इट्स रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट there are days ki agar aap bilkul hi switch off kar lo aur fir wapas aao to you don't know what's actually happening yeah. so yeah, this is not true, easy to and it's a virus I mean hum logo to medical reporting we're not used to medical reporting mujhe aksar waise kabhi badi hansi aati hai jab main tv on karti hu jo hamare bade senior journalist hai jo tv pe wo bade comfortable hai with politics na so unko maza aata hai wo baith ke baat karte hai ki hi hum aapko update agar bataye kya ho raha hai मेडिकल साइंस हाँ और वो ना जरा घबराए हुए होते हैं थोड़े से टीवी पे बिकॉज वो फिर उसके अंदर से कोई सियासी एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या जी जरा इसमें कोई सियासी एंगल ढूंढे सो इट इज हाउ इट इज बट रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही थी So, मेहमल भी आई हुई थी जब शो पे तो मैंने उससे भी पूछा कि जस्ट लाइक यू नो व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न और खासतौर पे इरशाद भट्टी साहब जब अपने इरशाद कर रहे होते हैं तो हाउ डू यू कंट्रोल एंड हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कंट्रोल यू नो वन देखो कभी कभी तो होता है कि एक टाइम लिमिट होती है अब तो वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो काट देते हैं आपको बीच में म्यूट कर देते हैं आप बोलते रहो आपको बीच में काट दे आपको पता ही नहीं होता कभी कभी ये होता है अच्छा मेरे पास अक्सर रिपोर्ट कार्ड में एक कप होता है उसमें पानी होता है आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर सो वो मैं फिर बस पानी पीती रहती हूँ अक्सर मुझे लोगों ने सोशल मीडिया में कहा है कि ये मतलब ये आपका और आपका कप ही नजर आ रहा होता है तो मैं फिर वो यही करती रहती हूँ बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू लुक लाइक यू आर इंटरेस्टेड यू ऑल्सो हैव टू सीम लाइक यू आर पेइंग अटेंशन तो फिर बट आई हैव अ प्रॉब्लम एज वेल आई जोन आउट समटाइम्स तो होता है अक्सर कि मैं पहले एक मिनट तो आई एम पेइंग अटेंशन फुल अटेंशन के साथ सुन रही होती हूँ एंड आई एम समटाइम्स मेकिंग पॉइंट्स एंड अदर टू थ्री मिनट्स आई एम आउट अगर उन दो तीन मिनट में आप मुझसे पूछ लें कि अभी भट्टी साहब ने क्या कहा है तो आप मुझे कुछ नहीं बताऊंगा बट आई हैव टू से इरशाद भट्टी साहब इज अ रियली लवली पर्सन ठीक है वी हैव अ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नियाजी साहब के साथ भी मेरी बड़ी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं स्पेशली औरत मार्च पे बहुत ज्यादा थे बट इन्होंने हमारे वुमेन ऑन व्हील्स की बड़ी सपोर्ट की थी डू यू रिमेंबर हां आई वाज रियली सरप्राइज्ड मैं तो कुर्सी से गिरने वाली थी जब उन्होंने बात की वो बट ही इज बट दे ऑल रियली लवली दे ऑल वी हैव सम अ रियली नाइस a panelist and a little sort of camaraderie it's really nice that is true so aapne aaj tak jo interviews kiye what was your most difficult and what was your most fun interview like the one that you were you know really squirming in and the one that you were really happy with one I was really happy with interviews so I've never really been that happy with
but in reporting I have. I think I've been very proud of one of my recent reports. Actually, meri jo the reports I'm very proud of, wo log shayad itna padhte nahi hai. So, but wo mujhe bahut achhi lagti hai apni reports. One of the most difficult report that I did was abhi bilkul hi hafta der pehle maine ek report ki thi burials ke upar. COVID-19 की जो burials होती हैं, वो that is a report that stayed with me for days because I spoke to family members. क्योंकि ये एक ऐसा virus है कि आप अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, मतलब आप दफनाने भी नहीं जा सकते. You have to watch from. I think that is why this virus is so cruel. And I spoke to rescue 112 officials, relatives, and it was very difficult. एक doctor थे कि मर्दान में थे. जिनसे मेरी बात हुई, उनके उनके साथ एक पेशेंट था. वो रोज कहते थे मैं आता था, मैं पेशेंट के साथ बैठता था, हमारी बातचीत हो गई थी. ही वाज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस. तो व्हेन ही डाइड, सो दैट डॉक्टर टोल्ड मी कि आई न्यू कि इनकी फैमिली जो है, इनको आके इनको दफना नहीं सकती, इनका प्रॉपर किस्म का फ्यूनरल नहीं हो सकता. तो ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू वॉश हिज बॉडी, टू प्रिपेयर हिम फॉर द फ्यूनरल, टू रीड हिज ऑफर हिज फ्यूनरल प्रेयर्स. I thought that was really heartbreaking. And then I spoke to his son, जिसने मुझे कहा कि मैं तो दूर से खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, क्योंकि मैं अपने अपने वालिद की आखिरी दफा शक्ल भी नहीं देख सका. This is it was just a report that I think and which is why you know I sometimes get I know reporters are supposed to be unbiased, but reporters are allowed to have opinions, but reporters also have emotions. And that is why sometimes it really upsets me jab hamare hukumat mein aake ya hamare wazir azam ya couple of other people they come on TV and they say ke shukr kare abhi halaat itne kharab nahi hai. Matlab 900 people have died in this country. I find that this a lack of empathy and responsibility is just amazing. For people who have passed away, their loved ones have passed away, that's a very insensitive statement to say, because unki to duniya khatam ho gayi na. Bilkul, bilkul. Aur kuch to matlab, ek to wo ladka Faisalabad se tha, mere khayal se, he was 22 years old. I mean, you read about their stories and they're just such young. Ek ladka tha jisse meri baat hui, wo isolation ward mein tha, thankfully he recovered later. But he was only 19 years old and he was, wo kehta hai, main wapas aaya hoon, London se main wapas aaya hoon, and they took him to an isolation ward over here in Mayo. And wo wahan pe tha koi 2-3 hafte wo wahan pe tha, and he said ki matlab he thought every day, a 19 year old kid thought every day ki main to I don't think I'll survive. And I thought that was just it's really upsetting for you know and for 3 weeks he said na main apne walidain se mil saka, na main unse baat kar saka, na main kuch kar saka, aur main roz ye sochta tha ki bas this is it, I will not survive this. So that is the state of mind. We have to show some empathy to these people. Absolutely that empathy. Aur balki ab jab bahar ki bhi aap baat kare, I mean like the one difference that I mean like jo at least maine note kiya ke half of the treatment is how the medical professionals are talking to the patients and how the management of the hospital is dealing with you, even if they cannot help you, lekin agar wo aapke sath sahi tarike se pyar se baat kar rahe hain, aapko acche tarike se handle kar rahe hain, to aapki aadhi psychologically you feel satisfied. Lekin yahan pe ye lack of empathy is the biggest issue ke doctors sometimes, like they're doing fantastic job, lekin there are some of them who act very arrogantly or staff or doctors very arrogantly, to wo jo patients ke sath it's a nightmare if you don't know anyone to get admission in a good hospital and then get the subsequently good care. But you know Salman, I think the other side of this is ki they're also very overworked. Zyada tar jo meri Shaukat Khana mein bhi baat hui, Mayo mein bhi baat hui, PK, I mean, main Lahore mein zyada tar reporting Punjab ki main karti hu, wahan pe jab main baat karti hu, matlab these doctors inki agar 6 ghante ki shift hoti thi to ab ye 8 ghante ki ya 12 ghante ki shift kar rahe hain. Shaukat Khana mein ek meri doctor se baat hui jo 13 ghante ki shift kar rahe hain. They're so exhausted and overworked. कल वाईडीए के एक है डॉक्टर शाहजहां, वो कह रहे थे कि मेयो हॉस्पिटल में और एक्सपो सेंटर में तो फुल कैपेसिटी हो गई, सारे बेड फुल हो गए, मतलब जगह ही नहीं है. तो उनको कभी कभी पेशेंट्स को वापस भेजना पड़ता है कि आपके पास हमारे लिए जगह नहीं है. सो दैट मेंटल माइंडसेट, आई मीन दैट आई थिंक दीज डॉक्टर्स सीरियस किस्म की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. नहीं, ये तो आजकल की बात है ना, मैं एक जनरल, आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरली बिफोर कोविड,
यहाँ पे एक एथिकल क्लास की बहुत सख्त जरूरत है टू बी इंक्लूडेड इन एमबीबीएस, बिकॉज द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग, यू आर, अब आपको मेरे ज्यादा ही पता है, जब स्ट्राइक्स होती हैं, इमरजेंसीज बंद कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सो देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ, ये एक लॉयर्स और डॉक्टर्स, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एथिकल यू नो लेसन और क्लास दैट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दीस केसेस. I agree. बल्कि मेरे ख्याल से one of the reasons why maybe people don't feel so much empathy for doctors these days is because of the young doctors association's behavior in the past. उसकी वजह से भी there are a lot of people that don't feel that much empathy for these young doctors, and also they have had a tendency कि वो जरा सियासत भी बीच में ले आते हैं, फिर ये भी ले आते हैं, वो भी ले आते हैं. तो वो उसकी वजह से, और मतलब मैं भी जब रिपोर्टिंग करती हूँ, अगर मुझे कभी यंग डॉक्टर एसोसिएशन से बात करनी हो तो मैं आई एम अ लिटिल समटाइम्स अ लिटिल स्केप्टिकल ऑफ व्हाट दे से, बिकॉज़ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इनके साथ. सो आई थिंक मेबी दैट्स व्हाट इट इज मोस्टली. बिल्कुल. अच्छा, आई विल आस्क यू अबाउट योर यू नो द अवार्ड दैट यू वन फॉर द वंडरफुल यू नो फीचर यू डिड फॉर पोलियो. So tell us about it, like when you were writing it, and like jo experience tha aapka, like how was it, like how was it for, why did you pick that subject first of all, and how was that experience when you were writing? This was in 2012 or 13 mein I did this story. It's a really long time back, and tab actually kafi zyada murders ho rahe the, polio murders ho rahe the, a lot of polio workers were being killed, health workers were being shot. Some of the details are really horrific. Like women with health workers were being raped in parts of Pakistan as well. So, but koi collaborated data nahi tha us waqt bhi ki kitne hain. Matlab khabre aa jati thi, choti si koi khabar chal jati thi. So we decided to do a long feature. I wasn't the only one. I did it with another reporter as well. Hum dono ne milke, and then we tried to, and it took me about, that was actually a story that took me 3 months to do. क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी उस वक्त हेल्थ वर्कर्स की डेटा, रीचिंग आउट टू हेल्थ वर्कर्स डिडंट वांट टू टॉक बिकॉज़ दे वर सो स्केयर्ड. सो इट टुक मी अ रियली लॉन्ग टाइम. आई हैड टू ट्रैवल टू 2-3 सिटीज टू गेट द डेटा, टू गेट द इंफॉर्मेशन. सो आई मीन इट वाज अ वेरी यू नो, वन थिंग आई रियली अप्रिशिएटेड, आई वाज विद न्यूज़वीक बिफोर न्यूज़वीक मैगजीन. मैगजीन्स का जो फॉर्मेट होता है ना, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ space to write detail stories and to really explore a topic. Wo TV mein nahi aata, wo newspaper mein bhi, shayad akhbaron mein bhi itna zyada nahi aapko milta. Wo aapko bahut time deta hai to properly explore something. So that is one of the way that I went about it mostly. But I have to tell you what one wonderful thing that I really enjoyed after. I was very shocked that I was awarded. मैंने कहा पता नहीं जिंदगी में उसके बाद कभी अवार्ड मिले ना मिले, जाना जरूर है न्यूयॉर्क. तो पैसे जमा किए, मैं और मेरा मियां दोनों पहुंच गए यूएन के, वहां पे उनका एक सेंटर है, वहां पे उन्होंने अवार्ड सेरेमनी रखी हुई थी. सो देयर वाज सम रियली बिग एमी गुडमैन, सम ह्यूज रिपोर्टर्स दैट वर देयर. ले हम भी पहुंच गए, हम तैयार श्यार होके अपने देसी कपड़ों वहां पे, हम लोगों ने भी कहा चलो भैया यूएन में जाके खाना खाते हैं. So, when we went there, I was so it was like one of the nights of my life because Michael Douglas was there. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं माइकल डगलस की तस्वीर खिंचवाऊं, लेकिन नहीं हो सका. एंजेलिना जोली वाज देयर, स्टीवी वंडर. अच्छा. हां, स्टीवी वंडर प्लेड टू. सो यू वर गेटिंग एन अवार्ड, दे डिडंट लेट यू टेक अ पिक्चर? नहीं, वो अपने गार्ड्स के साथ आए, गार्ड्स के साथ चले गए. हम पीछे टेबल पे बैठे खाना ही खाते रह गए. मैंने कहा वो निकाल ही गए. उसके बाद बखैर हम लोग तो इसलिए गए, इसलिए थे कि हमने कहा चलो स्टीवी वंडर या एंजेलिना जोली की शक्ल ही देख लें, दूर से हमने देखी. तो बट दैट वाज रियली दैट्स गुड. Yeah, that's good. That's good. No, that was a proud thing for Pakistan as well. So you did a wonderful job there as well. Okay, आपने जो बात किया, I'm sure like you know you get a lot of online trolling and all that. So how do you deal with it? Like how do you deal with the negativity? Like you block or you just ignore, or how do you develop that thick skin now? Okay, यार अब तो ये वो नहीं है. Salman, I think you've come here with an agenda. You want to main na Twitter ban kar do aur ek taraf rakh do aur ya main chhod do. I think that is your agenda. No. Are you employed by those trolls? Mujhe ye batao. Nahi, you know it has trolling to meri kafi der se hoti rehti thi aksar.
सर्टेन थिंग्स यूज्ड टू, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जो एकदम से सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते थे. बट अ रीसेंट इंसिडेंट, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अ रीसेंट इंसिडेंट मेड इट अ लॉट वर्स. देयर वाज एन एक्सचेंज दैट आई हैड विद अ प्रोविंशियल मिनिस्टर on Twitter. It was, I think it was very unprovoked, but he attacked me. Aur ye jo aapne award ki baat ki, wo award bhi beech mein likha hai isme. Oh wow, award mila kis baat ka? So wo uske baad se it became so uncontrollable that it was happening every single day. बल्कि मैं कभी कभी आई जोक अबाउट इट विद माय हस्बैंड एज वेल, ऐसे कि मतलब मुझे लगता है ये ऑब्सेस हो गए मेरे साथ, रोज सुबह 8 बजे मेरी टाइमलाइन पे. So, and I have never blocked or mute someone before. Pehli dafa maine, I started muting people, I started reporting people because it became really vicious. This is not something that I've dealt with before. How do I deal with it? Maine apni notifications bilkul verified pe ki hui hai, to main padhti nahi hu notifications. Baaki accounts jo hai wo maine mute kar diye. Maine Mehmal se actually seekha hai. Mehmal ne mujhe kaha ki tum padhti nahi ho notifications, to usko verified pe karo. That is something that has never happened. Dekhi, main bahut der se Punjab mein reporting kar rahi hu. Muslim League noon ki bhi government thi yahan pe. Hum unse bhi bahut tanqeed karte the aur maine usse bahut reports ki hai. Jab ye orange line ban rahi thi, usse pehle express way ban raha tha. I did a lot of reports on that. I have never been attacked like that before. Jaise ab ho raha hai, aise kabhi nahi. I've never been attacked like this. So this was the first time, and I didn't really know okay how to go about it. Then I spoke to certain lawyers as well. So unhone kaha you need to file a complaint taki it's on the record that this is something that's happening, and it's very very collaborated in a way that ek saath ekdam se coordinated. Of course it is. It's a web. Yeah, and it's then maine to ek dafa purani tweets nikali, fir unhone ko purani tasveerein nikalne ki koshish ki, and ek do dafa I don't know if this is linked or not, but mere ek do dafa accounts bhi hack hone ki koshish kar di gayi hai. Yeah, I'm sure. On Twitter, and so this is it really does take a toll on you psychologically. It does really affect you. Lekin this is just the this is just a force. It's a price you pay to do a good job, I guess. I hope so. But you know, after a while, it really does get to you. I mean, रोज अगर आप उठो सुबह और आपको कहा जाए आप फेक जर्नलिस्ट हैं, और अब आप रोज नहीं लड़ सकते यार. मतलब रोज नहीं कह सकते कि मतलब क्या है इसमें, फेक बता दो भाई. मुबीन कह रहा है कि मुबीन is saying कि Benazir might get upset, but it makes me fuming mad when good people like Benazir get trolled. So unfortunate. मुबीन साहब अक्सर मेरी मेरे मेरी सपोर्ट में आ जाते हैं ट्विटर पे, मैं ठीक करता हूँ सबको. लेकिन रविंद्र साहब डेनमार्क से वो कह रहे हैं हैव यू म्यूटेड मी, आई थिंक ही इज वन ऑफ द वंस. ओह आई एम सॉरी एक्सीडेंटली, बट आई वेंट ऑन अ म्यूटिंग स्प्री because wo it became too much for me, and you know, I mean, I'm a working mother, I have two beautiful daughters, they're both very young. And then I'm working, and then abhi bhi aajkal bachon ke saath being at home all day, and it really does take a toll on you. I mean, there's some journalists jinke saath bahut hi zyada jaise Mehmal ke saath hota hai, aur kai journalists to khud trolling karte hain, aur kai journalists khud trolling karte hain, to phir it's become really nasty. Twitter has become very very, but aap very 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 toxic. You have to still work on it. If you're a reporter in Pakistan, you still need Twitter. आप नहीं उसको काम ही नहीं कर सकते. आप तो खबरें सारी आप ट्विटर से मिलती. ऐसे ही ऐसे ही. There's no way out of it. After this question, I think you're gonna believe that I have an agenda. अब देखते हैं कल रिएक्शन क्या आता है. अब देखते हैं रिएक्शन क्या आता है. You have to. मैं कहूँगी सलमान ने मेरी वीडियो गलत एडिट करके और ये एक अकाउंट बना दी. हाँ, we got your
double somebody to play Benazir and say this all this. Main kahungi ye to Photoshop hai. I don't jaise aame lagne. So question is funny question. If you have to deactivate one politician's Twitter account, who would it be? Politicians. Salman. Because he is doing a big disservice to his government. I mean, he is doing a disservice to his government the way that he is attacking other politicians. Matlab wo acha kaam bhi karte hain to unko usko gata karna hai. Main shirmindagi karani padti hai. Ha, I think him. Or if you have to take over one personality and organization's Twitter feed for a day, who would it be and what would you do differently? One organization's Twitter feed? I think organization or personality? Anyone? I think that there's some really good journalists who just don't project their work really well on social media. And aap pata hai, game is sari social media ki hai. You need to have your accounts properly. You need to be tweeting your pieces. Otherwise, nobody takes notice of your article. So there are quite a few reporters, I think, print reporters, which I don't think know how to promote. Ek reporter jisse main bahut kaam karti hu, Nazrul Islam. He's such a brilliant reporter, absolutely brilliant. But he does not know how to use social media. Balki main usse keh rahi hoti hu ki woh khuda ke liye apna article tweet karo, is tarah tweet karo, usko dobara tweet karo, usko dobara itna tweet karo ki log tang aake paas. So, I think there are a lot of print reporters like that who's I also really like Aisha Baksh. I think she's a very, very good host. Yeah, she is. She's been in journalism for such a long time. She again is one person just I think social media account really needs a she's the one who started a report card, right? Yes. Yes. But usse pehle bhi she's been in journalism for such a long time that I think if I had her Twitter account, I would really amplify her okay. Okay. By default. Acha, ye main aapko panch characters ke naam lunga from Marvel and Disney combined. So you have to tell me which politician in Pakistan can play these roles. Ready? God, you're really getting me into trouble. So everyone had different answers. I had Fahad the other day. He had some interesting answers. Then we had Mammal. She had some interesting answers. So let's see what you come up with. Okay, Superman. Oh, God. Superman is... I think I would say I really like some of the things Bilawal Bhutto. Ab dekhna phir se tum mujhe phasa rahe ho. I really like some of the things that Bilawal Bhutto. I think Bilawal has this. He has his moral compass so far. He has his moral compass in the right direction. There are things that he talks about which I think that other politicians do not talk about. So if I really had to choose, then I would choose him. I would choose him for this. Can you hear me? I can hear you. Hello. Can you hear me? Can you hear me? आपको आवाज आ रही है? मुझे तो बिल्कुल आवाज आ रही है. हेलो, कैन यू हेयर मी? वन सेकंड. हेलो, आई थिंक कोई वो हो रहा है जो आपने कहा था. हेलो, कैन यू हेयर मी? मुझे तो आ रही है. कैन यू हेयर मी बेनी सी? आई कैन हेयर यू फाइन. यू कांट हेयर मी? हेलो, आवाज आ रही? शुड आई बी? हां, मुझे तो आवाज आ रही है. नाउ आई कैन हेयर यू. Now you can hear me. Okay, great. हाँ, पता नहीं वो बीच में, I think there was some call coming, so it got disconnected. Can you hear me now, right? Okay. I can hear you perfectly fine. Okay, perfect. अच्छा जी, Batman. Batman. someone who stays is an Fawad Chaudhary. Fawad Chaudhary, Batman. यार मैं कहाँ थी मैं, क्या कहाँ थी मैं, ढूंढने लाऊँ. Okay, Iron Man. Iron Man. Oh God, Iron Man. Okay, Hulk. Oh, Sheikh Rashid. Sheikh Rashid.
or Thor. Thor, beautiful hair. Luscious, beautiful hair. Oh, God. And power, na? Power, like, you know, the power of the hammer. Kisko do yaar? Thor. Acha, you have no female characters? I mean, this is really... I have. Wo aage aa rahe hain. Acha ji, Thor kar dete hain. Ehsan Iqbal ko kar dete hain, I guess. Okay. बालों का मसला है वहाँ पे, लेकिन चलो कुछ हो जाएगा. Okay. Black Widow. Black Widow कौन है? Black Widow. I think I really like Sherry Naman. So Sherry Naman would, I think, would fit that. Okay. I think she's and really good. Yeah. And Wonder Woman. Firdaus Apa. Don't ask me to explain why. But there was something so amazing about the fact that she was so brave about, and she was so, and she didn't care about people's controversy. But that is something I really admired about her. She just didn't care. She believed in herself too much. Because औरतों को वैसे भी when we were growing up, हमें तो हर वक्त दिखा देते थे लोग क्या कहेंगे. He was a complete opposite. She didn't care about kya karenge. Chalo, good, good. Achha, now your last question is, you have choice. Either you can sing one line of your favorite song or you can tell us a sheer. Hai Allah, dono nahi mujhe aate. Gana bhi nahi ho sakta. I'm sure you sing. Everyone sings. I can't sing a song. Salman, you're really going to like send me into isolation for me. Yeah, you will sing to your daughter. I'm teaching my little daughter ABC today, so I'm teaching her all day ABC. So please, let me pass on this. शेर तो सुना दो यार, शेर तो आता ही होगा यार. मुझे बिल्कुल भी कोई अभी ऑन द टॉप ऑफ माय हेड आई कांट रिमेंबर. लब पे आती है ही सुना दो. बट मुझे मैं गाना बता सकती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एक्चुअली रियली लाइक इट. मुझे वो बहुत पसंद है, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई. आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि वो तब्दीली और गाना बड़ा कैची है, लेकिन तब्दीली इतनी कैची नहीं थी. जो केरला से शुरू हुआ था और फिर इमरान इस्माइल ने ले लिया था उसको. हाँ, उसको रीमिक्स किया था ना. हाँ, केरला केरल केरला में बनाया था ना किसी ने, केरला में या गुजरात में, इंडिया में. एंड देन दे इट वाज मेड इन केरला और गुजरात, एंड देन समहाउ इमरान साहब गॉट अ होल्ड ऑफ इट एंड ही मेड इट इनटू अ वर्जन फॉर बीटीआई. अच्छा, ये पायरेसी का मसला तो नहीं है कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स. क्योंकि और भी कुछ piracy में बात चल रही थी ना, but it was a lovely song because it's very catchy, it's very upbeat. I think इस comment के बाद आपकी trolling बहुत खत्म हो जाएगी. बहुत जा वो ऊपर जा रही है. शुक्र है मैंने मैमल की बात पे अमल किया और अपनी सारी notification verified पे रख ली. और यहाँ पे कौन लोग हैं जिनको मैंने म्यूट कर दिया? I'm really sorry, आप अनम्यूट नहीं हो सकते आप. मेरी पे सलीम खान साहब कह रहे वो द राजस्थानी लैंग्वेज सॉन्ग इनिशियल. ओह ओके, आई हैड नो आईडिया, आई शुड एक्चुअली लुक दिस अप फिर एंड आई विल टैग यू. डू टैग मी एंड टेल अस अबाउट योर फेवरेट थ्री बुक्स एंड फेवरेट थ्री मूवीज. माय फेवरेट मूवी इज, और बता, मैं क्वारंटाइन में क्योंकि मैं बहुत बोर होती हूँ शाम को, तो मैंने अंदाज अपना इट्स माय ऑल टाइम उसके अलावा आई लव डेड पोएट्स सोसाइटी, दैट इज माई फेवरेट फेवरेट मूवी. एंड बुक्स अभी आजकल मैं पढ़ रही थी मुशर्रफ फारूकी की द मरमैन, which is I think he's such a beautiful writer. Unki jo pichli bhi kitab thi was really lovely, so that is one book that I'm reading. And ek meri walid ki kitab padhi hui thi, Nelson Mandela ki biography, so wo kafi der se meri bookshelf mein padhi hui thi and I had never read it. Can you imagine? I had never, I'm a journalist, I've never read it, and wo samne mere padhi rehti thi.
एंड अभी रिसेंटली एक बात शुरू हुई थी लोकली पॉलिटिक्स में, किसी ने बात की थी कि एक ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन बननी चाहिए पाकिस्तान में भी. तो उसके बाद आई टुक दैट बुक आउट एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट. सो आई एम रियली रियली एंजॉयिंग दैट. आई एम रियली एंजॉयिंग दीस टू बुक्स. आई एम रीडिंग बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली जब भी मुझे टाइम मिलता है. एंड सो या सो दीस आर सम ऑफ द. दैट्स गुड. तो अंदाज अपना अपना में रॉबर्ट या तेजा. रॉबर्ट ऑलवेज. रॉबर्ट ऑलवेज. मैं तो मैंने तो उनके वो सारे वो ढूंढ के मैं तस्वीरें भी अपने दोस्तों को उसी की देखती रहती हूँ, कमेंट्स भी करती रहती हूँ. आई ट्राई नॉट टू ओवरडू इट बिकॉज़ दे विल बी लाइक शी इज सो वियर्ड. बट अंदाज अपना अपना ऑलवेज. आई रिमेंबर उसके जो फर्स्ट सीन है ना, दैट वाज अ क्लासिक. वो जब वो ही इज ड्रीमिंग अबाउट जूही चावला. हां I think, you know, I don't personally like Salman Khan movies. I'm sorry, Salman Khan fans. I don't like his movies. वो अगर बहुत ही मेरे मेरा नहीं ख्याल है मुझे उसकी कोई भी मूवी पसंद है. This was the only movie that I thought he was really really good in. Apart from that, I've never really been a Salman Khan fan. You're not a fan of his abs and all that. Oh Allah! वो कौन सी मूवी थी वो जिसमें वो दबंग. क्योंकि आप मतलब मूवीज की ऑप्शन ही नहीं होती आपके पास ज्यादा पाकिस्तान में. तो वो तो खैर मैं देखने चली गई. मैं उस टॉर्चर जो सिर्फ टू वॉच इट. आई डोंट अंडरस्टैंड. और उसके तीन पार्ट्स बन गए उसके बाद. I know, no, it was. It was crazy. It was, crazy. We are, okay, is Eid pe, we are having Soni Razdan from Mumbai. You know, she's an amazing actress. Unhone Razi mein, Alia ki, she's a real mother of Alia as well, but she played her mother in Razi as well and a couple of other movies. So she's joining us on this Eid from Mumbai. आजकल अफ्तारी में लाइक आई यू बदपरहेज लाहौरन और यू आर अ हेल्थी ईटर. यार आई डोंट हैव शुगर. मेरी और न्याजी साहब भी अक्सर ना शो शुरू होने से पहले हम अपनी शुगर फ्री जो होती है चीजें चेंज कर रहे होते हैं. स्वीट्स और कभी वो शुगर फ्री चॉकलेट लाते हैं, कभी वो मुझे स्वीट देते हैं. वो भी नहीं खाते शुगर. की अपनी शुगर फ्री लाइफ स्टाइल है मेरी भी. आई क्विट शुगर. सो आई हैव बीन प्रीटी गुड ड्यूरिंग क्वारंटाइन. सो नो पकौड़े समोसे. नहीं वो भी खाती हूँ मैं. लेकिन I've been, मेरा पता है बड़ा एक मैंने स्ट्रिक्ट अपना एक टाइम टेबल बनाया है क्वारंटीन में. अदरवाइज मैं पागल हो जाती. सुबह उठ के व्हाट डू आई व्हेन आई स्टार्ट वर्क आई हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल. व्हेन आई एंड वर्क व्हेन आई स्टार्ट गिव टाइम टू माई फैमिली. और फिर रोज शाम को मैं वॉक करती हूँ. आजकल तो खैर इतनी गर्मी हो गई है कि हालत खराब हो जाती है. लेकिन ये है कि फिर रोज शाम को आई गो आउट विद माई किड्स. आई टेक अ वॉक बिकॉज आई नीड सम काइंड ऑफ अ रूटीन. सो आई थिंक इन दैट सेंस आई एम प्रीटी आई हैव बीन वेरी गुड सो फार. खाने पीने की चीजों में अभी तक तो आई बीन प्रीटी गुड. चलो दैट गुड. सो थैंक यू वेरी मच यार फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज अ ग्रेट सेशन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड सलमान आई विल ब्लेम यू टुमारो जब मैं अपना ट्विटर खोलूंगी. नहीं आई थिंक जो द कमेंट दैट यू मेड यू नो द एंड वो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रेज नाउ. जो ट्रोलिंग अकाउंट्स गोना वो जरूर काट के शेयर करना सोशल मीडिया पे. आई विल. और थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग आवर वुमेन ऑन वीज एंड ऑन प्रोजेक्ट्स. Really means a lot to the foundation. Amazing work that you do. Amazing work. Thank you so much. And Balki, we will invite you. We're launching our public toilets after Eid for women especially. I remember. Yeah, that got because of this. So we are launching right after Eid. So inshallah, I'll invite you over and you can check them out. Lovely. Thank you. Right. Thank you very much. Thank you guys for joining for an amazing session with Benazir. And it was a very nice session and a very nice conversation, very positive conversation among all the negativity. And please don't troll her tomorrow. Otherwise, please. She's going to be after me. Please, thank you. Take care. And stay inside. Don't listen to Supreme Court. Don't listen to anyone. Stay inside. Save yourself. Everything can come back.
हाँ बल्कि आप भी कोई मैसेज दें, लीव अ मैसेज फॉर योर व्यूअर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग अस, सो लीव अ मैसेज फॉर योर व्यूअर्स. यार प्लीज, आई वुड से प्लीज स्टे इन, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स स्टिल नॉट सेफ. मेरी तो खैर रोज डॉक्टर्स से, नर्सेज से बातें होती रहती हैं, टॉकिंग टू देम, देयर इन अ रियली रियली देयर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. इफ फॉर नोबडी एल्स देन एट लीस्ट फॉर दीस हीरोज. So I would say please be careful and घर में भी आप लोग, मैं तो मेरा तो आधे ज्यादा दिन हाथ धोने में ही गुजरता है 20 सेकंड के लिए. So please take this seriously, I would say. Absolutely. You take care of yourself and hopefully I will see you inshallah after quarantine. Okay, take care. Okay, thank you. Thank you guys. Here, stay inside, and inshallah, see you tomorrow for another amazing session with Shafi Naki Jami Saab, who has been the pioneer of BBC Sarbeen, and he has been doing some amazing journalism, amazing interviews, historic interviews. Or see you tomorrow 9:30, same time. Khuda hafiz.